सादर जोहार सभी को। आज कविता मैं अपनी लेकर के आप लोगों के बीच हूँ, आदिम पीड़ा जिसका शीर्षक है। पर पीड़ा और स्वपीड़ा को चाहे कितना संवेदी बनाओ या बताओ, यथार्थ और सच सामने हैं। कोई नहीं महसूस कर सकता वह स्वपीड़ा जो मैंने सहा, हजारों की भीड़ में वस्त्रधारियों के बीच मैं निवस्त्र। चौंकिए मत, मैं वह मॉडल नहीं जो नाम कमाने और अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए रैंप पर अपने कैटवॉक के दौरान कपड़े उतार निवस्त्र हुई हूँ। मैंने चाहा नहीं कभी खुद को निवस्त्र पाने की। अरे, नहाते वक्त भी अपने शारीरिक उभारों को देखने में लज्जा आती है। शर्मा जाती हूँ अपना ही यह देह देखकर। लज्जा, शर्म सब डाली सिर्फ तुम पुरुष समाज ने। वही अपने अंगों के प्रति इतनी अभद्र गालियों शब्दों से अपना औघड़पन दर्शाया तुम पुरुष समाज ने। पर मुझे तो नंगा किया गया, हजारों हाथ मुझ पर लपके, अपने गुप्तांगों में तीव्र प्रहार भी सहे मैंने। मालूम क्या है जुर्म क्या था मेरा? मैं उठ खड़ी हुई थी अपनी पहचान को लेकर। आदिवासी होते हुए मांग रही थी सरकार से भीख आदिवासी होने का। मत दो मैकडी का खाना, मत दो एडिडास के जूते, पर दो जून की रोटी और तन ढकने का कपड़ा तो दोगे ना? वो भी काम करते हुए हम आदिवासियों को यह चाहिए। बिना खटे पचता ही नहीं हमें खाना, हमारी मेहनत की रोटी पर तुम लात जमाए बैठे हो। पूर्वोत्तर को कभी नमन करता था पूरा भारत, मातृशक्ति पर इतराता था यह देश। पर अपेक्षाओं से परे जो तुमने कृत्य किया, अपने से लगने वाले तुम, हाँ तुमने छला है हमें। जीने का हक नहीं छीन रहे थे हम तुमसे, बस अपना अधिकार ही तो मांग रहे थे। पर तुमने मुझे मात्र नंगा नहीं किया, बल्कि मेरे पूरे समाज को नंगा किया है। चाहे रेप करो, चाहे मर्डर करो, जूझेंगे तुमसे हम। रोकने की लाख कोशिश तुम्हारी और आगे बढ़ते रहने की दृढ़ता अब भी हम में है जारी। शुक्रिया। यह कविता 2006-07 में असम में लक्ष्मी उड़ाओ नामक महिला को एक रैली के दौरान वहाँ के बोडो आदिवासियों के द्वारा नंगा करके मारा पीटा गया था, ये उस चित्रों को देखने के बाद अभिव्यक्त रचना है। धन्यवाद।